नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप सिंह पखाड़ा और आप देख रहे हैं एसवी न्यूज इंडिया। और आज हम खड़े हैं हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में, जहां पर जिंदल हॉस्पिटल के कुछ प्रमुख डॉक्टर हैं जो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। एक बीमारी है, उस बीमारी के बारे में मैं बीमारी भी बता देता हूँ। COPD ये एक बीमारी है जो कि सांस के द्वारा लोगों को होती है, जो कि वातावरण में जिस प्रकार के धूल मिट्टी कण होते हैं या अनेक प्रकार के जो अशुद्ध वायु होती है, उसके कारण ये बीमारी लोगों के अंदर पाई जाती है। तो इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है और क्या क्या इसका उपचार किया जा सकता है, वो ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं क्या क्या इसकी किस प्रकार से बीमारी होती है और क्या क्या इसके उपचार है। आपको बता देते हैं, नॉर्मली ये बीमारी 40 से ऊपर लोगों को भी हो जाती है और कहीं की ये बीमारी एक धुएं से, प्रदूषण से हो जाती है या धूम्रपान से हो जाती है, तो इसलिए आपको ज़रूरी है सावधानी रखना। तो आइए चलते हैं डॉक्टर साहब से, जानते हैं कैसे किस प्रकार ये बीमारी है। सच्चा वाक्य न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। उसको कम्प्लीटली अवॉइड करें। और थर्ड, एयर पॉल्यूशन, उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट को स्टेप लेना ज़्यादा जरूरी होगा रेदर देन इंडिविजुअल स्टेप्स की हम बात करें। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं कि बचाव किस तरीके से किया जा सकता है और इंडिया में कितना इफेक्टेड है COPD। बेसिकली बचाव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तीन पॉइंट उन्होंने हाईलाइट किए हैं। एक पॉइंट जो हाईलाइट और करने की ज़रूरत है वो है अपना इंडोर पोल्यूशन, जिसके ऊपर आमतौर पे हम ध्यान नहीं देते। इंडोर पोल्यूशन के अंदर आते हैं अपने गांव से जो लोग आते हैं, जो अभी भी गांव में लकड़ी प्रयोग कर रहे हैं, चूल्हा प्रयोग कर रहे हैं, वो जो धुआं है वो भी एक इंडोर पोल्यूशन का मुख्य कारण है। तो उन पेशेंट्स को अपने गाँव में आज के दिन गैस अवेलेबल है तो गैस का प्रयोग करना चाहिए, प्लस जो आउटडोर पोल्यूशन जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उसको अवॉइड करना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, प्लस स्मोकिंग से बच के रहना चाहिए। तीन चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा COPD का रिस्क फ्यूचर में कम हो सकते हैं। क्या एज ग्रुप रहता है जिसमें मतलब COPD? एज ग्रुप पहले ऐसा कहा जाता था कि 45-50 ईयर्स के बाद ही जनरली किसी को COPD लेबल कर सकते हैं या इतने समय लगता है, लेकिन आजकल जो हमारे पास OPD पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें एज की ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है। इवन पेशेंट्स ऑफ एज ऑफ 30-35 ईयर्स, 40 ईयर्स, दे ऑल्सो डेवलप COPD डिपेंडिंग ऑन कि उनका एक्सपोजर कितना है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो हरियाणा में कितना इफेक्टेड है, ये कितने लोग इफेक्ट है, कितने परसेंट है, तो वो लोग कैसे अपना बचाव करते हैं हरियाणा? हरियाणा में लगभग 1,05,000 लोग लगभग COPD से इफेक्टेड हैं और इसका मुख्य कारण स्मोकिंग की हैबिट तो हरियाणा में प्रेवलेंस ज़्यादा है, साथ साथ पराली जलाने के कारण भी इसका इंसिडेंस पोल्यूशन बढ़ रहा है। आउटडोर और इंडोर पोल्यूशन बढ़ने के कारण भी इसके प्रेवलेंस काफ़ी ज़्यादा है हरियाणा में पर्टिकुलरली। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट, जो टोटल सारे के सारे स्टेट्स में देखा जाए तो हरियाणा विद इन सेकेंड और थर्ड नंबर पे आता है COPD के प्रेवलेंस में। इलेक्शन जो पत्ती है वो कहते हैं इफेक्ट करती है, साइड इफेक्ट करती है, इस बारे में क्या? इनहेलर्स का कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं इस बीमारी को के ट्रीटमेंट में, जिसको कि थोड़े दिन के बाद लोग कहते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट आ गई और अब हम छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत है। इसका जब तक मतलब इसका यूज़ करते रहना चाहिए, जब भी अगर दिक्कत बढ़ती है तो उसका यूज़ और ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। बीच में अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है, तो उसको थोड़ा कम भी किया जा सकता है इनहेलेशन यूज़। अपने हॉस्पिटल में कितने रेशो में यहाँ पर मरीज आ रहे हैं, कितने लगभग माना जाए कितने मरीज यहाँ पर रूटीन में मिल जाते हैं? जनरली जो हमारी OPD रहती है उसमें आप ये मान के चलें कि 20-30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चेस्ट या रेस्पिरेटरी डिजीज से एसोसिएटेड कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, और उनमें से उन 30% में से मैं मान के चलता हूँ कि एटलीस्ट 30-40% पेशेंट ऐसे हैं जिनको COPD से संबंधित समस्या रहती है। तो ऑन एंड एवरेज हमारे हॉस्पिटल में हर रोज़ अराउंड, अगर हम 300 OPD देख लें तो 300 में से आप मान के चलें कि 50 पेशेंट्स हर रोज़ डेफिनेटली COPD से अफेक्टेड रहते हैं। जी, उनको क्या क्या सुविधाएँ हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आपके यहाँ दी जा रही है? हॉस्पिटल में उनके डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो फैसिलिटी हैं वो प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि एक्सरे है, साथ में स्पायरोमीट्री है, ठीक है, स्पायरोमीट्री के कैंप्स हैं, उसके अलावा एडवांस में CT स्कैन की व्यवस्था है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल में पेशेंट के डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हैं, प्लस डॉक्टर जो अवेलेबल हैं वो उनकी फर्दर उनके डायग्नोसिस प्लस ट्रीटमेंट के लिए उनकी हेल्प करते हैं। सर, अस्थमा और COPD में क्या
देखिए अस्थमा और सीओपीडी में जो मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बोला कि सीओपीडी एक परमानेंट बदलाव है बॉडी में, और जो अस्थमा है दिस इज ए रिवर्सिबल स्टेज। तो अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट लेता है तो अस्थमा वाला पेशेंट यूजुअली मान लीजिए हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो एक पीरियड ऐसा आ सकता है कि वो रेमिशन में और मे बी ही मे नॉट रिक्वायर इनहेलेशनल थेरेपी, बट सीओपीडी के लिए ये चीज़ बिल्कुल, अगर इफ स्टिल सिम्टोमेटिकली बेटर तो उसके लिए जो इनहेलेशनल थेरेपी होगी दैट विल बी फॉर द लाइफ लॉन्ग थेरेपी। और जो अस्थमा और सीओपीडी के कॉजेज हैं या बेसिक पैथोलॉजी हम बात करें तो वो भी काफ़ी डिफरेंस रहता है। और सबसे बड़ा ग्रुप एज ग्रुप बड़ा डिफरेंस है, जो अस्थमा का जो एज ग्रुप है वो इनिशियल आपके बच्चों में लेकर आपके यंगस्टर्स में ज़्यादा होता है, एंड जो सीओपीडी के लिए एज ग्रुप हो जाता है वो जैसा सर ने बताया वो इनिशियली हम 40 कंसिडर करते थे, अब धीरे धीरे एज 30 तक भी कंसिडर हो रही है। सीओपीडी कुड बी सीओपीडी, कुछ हमारी बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं अगर उनकी डिफिशियंसी हो, या फिर दूसरा जो फैक्टर देखा जा रहा है कि अगर जैसे प्रेग्नेंट फीमेल है अगर वो स्मोक करती हैं, या जैसे आप देखें कि एयर पॉल्यूशन है, अगर इतने सिग्निफिकेंट एयर पॉल्यूशन में बच्चा न्यूबॉर्न्स रहते हैं तो उनके जो लंग होते हैं वो उस लेवल पे डेवलप नहीं हो पाते हैं कि वो नॉर्मल लंग डेवलपमेंट अचीव कर पाए, तो उनके जो लंग फंक्शंस होते हैं यूजुअली 50-60% पे रह जाते हैं। तो नॉट इनिशियली बट एट द एज ऑफ 30-40 देयर इज अ हाई चांस कि उनको सीओपीडी डेवलप हो जाए। माई मैसेज फॉर पीपल इज, सबसे पहले तो सीओपीडी से बचाव, सीओपीडी से बचाव के लिए आउटडोर और इंडोर पोल्यूशन से बचें, स्मोकिंग ना करें, पराली ना जलाएं, अपने घर में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें, और अगर आप सीओपीडी से ग्रसित हैं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। और तीसरी चीज़, आपको जो इन्हेलेशन थेरेपी एडवाइस की गई है उसको स्टिग्मा ना माने और प्रॉपर मेडिकेशन भी टाइम से लें और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सके और फर्दर आपका जो डैमेज है उसको रोका जा सके। Thank you.